क्या हुआ? अंदर कोई चीज अंदर चेक कर। कहां पर? क्या निकलो यार, निकलो निकलो निकलो, लोकेशन से निकलो यार, निकलो निकलो। बात सुनो। क्या 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 क्या? वो देख, वो देख, अंदर गई। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, अल्लाह हू अकबर बिस्मिल्लाह। यार यहाँ कोई नहीं है। अल्लाह हू अकबर, इधर है ही कोई नहीं। इधर भी यार फौरन आया हूँ यार, बिस्मिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम खातिनो हज़रात, वेलकम टू दैट वीडियो। वो क्या होगा विद, वो क्या राज है, कोलैबोरेशन हो रहा है इस वीडियो में। मेरे साथ हैं जैन भाई। अस्सलाम वालेकुम। जैन बलोच, जिसे आप सभी लोग बड़ा पसंद करते हैं, वो क्या राज है मैं आप देखते हैं। और हमारे शबाज भाई। अस्सलाम वालेकुम। जो कि अब माशाल्लाह काफ़ी पहले से बेहतर हो चुके हैं, रिकवर कर चुके हैं। आज हम लोग मौजूद हैं यार एक हवेली पे। इस हवेली पे हमने काफ़ी अरसा पहले इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन जैन भाई जैसे कि आपको आपके एक सब्सक्राइबर ने बताया कि यहाँ पर कोई दुल्हन नज़र आ रही है, दुल्हन जिसे हम कहते हैं जो सुर्ख जोड़े में नज़र आई है, तो वो जो कहानी है, हम तो यहाँ पे आए हमें नज़र नहीं आई, आपकी आपने वो क्या सुनी? अभी हमने यहाँ पे इर्द गिर्द लोगों से पूछा, उन्होंने कहा यहाँ खौफ और राज है, औरत नज़र आती है सुर्ख जोड़े में, तो ये क्या यहाँ पर सीन है? असल में मैसेजेस करते हैं, व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, तो उनमें से एक सब्सक्राइबर था जी, कह रहे कि भाई आप वैसे भी चले गए हो, तो एक लोकेशन है असद वालों ने किया है उसको, वहाँ पर एक बाकायदा तौर पर दुल्हन नज़र आने लगा है। ठीक है ठीक है। और वो उस वीडियो में मतलब कि नज़र आया ही नहीं है, तो मैंने कहा चलो ठीक है यार, सस्ते में कहता हूँ उस लोकेशन पे ले जाए। वो एक वीडियो भी आप दिखा रहे थे कि एक बंदा आ रहा है यहाँ से ना, इस जगह से गुजर रहा है, उसने यहाँ पर टॉर्च से एक औरत को देखा, औरत बैठी हुई है दुल्हन के लिबास में। बिल्कुल। तो इस ब्याहबाने में दुल्हन क्या करने बैठी थी ये समझ नहीं आई। शबाज भाई आप इस पे क्या गौर फिक्र देते हैं, क्या हो सकता है? यार कुछ अर्सा पहले जब हम यहाँ पे आए थे और मामला थे। ठीक है। अब जैन भाई को किसने बताया कि यहाँ पे दुल्हन नजर आती है? वो वीडियो में तो हाँ बाकायदा तौर पे नजर आया ना। मैं असल में कशमकश में हूँ, या है या नहीं, अब जाहिर सी बात इसको देखना पड़ेगा यार। तो दुल्हन यहाँ पे टहलती है, लोगों को नजर आती है, या जैन भाई ये सोच कर आए कि यहाँ पे है, तो ये काफी खतरनाक काम, क्योंकि लोगों ने भी जिस तरह बोला है ना वहाँ पर जी, नजर आया है बाकायदा तौर पर। सुनने में गाय ये भी आया कि अजीबो गरीब शक्ल है, इतनी इतनी बड़ी आँख है उसकी, दांत इतने इतने लंबे हैं, और खौफनाक शक्ल है उसकी। ये जो भी के लोगों ने खुद देखा, खुद देखा है, जो उसको देखता है तो यहाँ तो उसको बुखार चढ़ जाता है, या वो तीन दिन के लिए चार भाई पर लेट जाता है। यही हम यहाँ पे देखने आए हैं, तो जैन भाई हमारे साथ हैं, तो मजीद साथ ही कुछ ही कदमों के फासले पर मेन रोड है जी जी। और लाखों करोड़ों की जगह ये, और इस जगह को कोई भी मतलब हाथ नहीं लगा रहा। अंदर जाके देखते हैं और आपको वो दिखाते हैं कि वो क्या होगा या वो क्या राज है यहाँ पर, जिस वजह से ये जगह आबाद नहीं हो पा रही। जी जैन भाई बिस्मिल्लाह करते हैं फिर। अरे बिस्मिल्लाह करे भाई, चलो आगे आओ बकास। यार ये लोकेशन तो काफ़ी वक्त से मेरे ख्याल में बंद है ना, काफ़ी अर्से से बंद है, गंदगी। चलते हैं बिस्मिल्लाह, ध्यान से मैं जरा कैमरा सेट कर रहा हूँ। अजीब बात है कि जब हम आए थे और मामला थे यहाँ पे, तो अभी वकास आ गया उधर, ये यार ये तो बिल्कुल लोकेशन यहाँ की जगह बता रही है बोल बोल के कि यहाँ पे कोई टहलता है। खौफ इतना का ज़्यादा है, झाड़ियों के पास ज़मीन के ऊपर, क्या आपको सब दिखाई देगा कैमरे के साथ, ये देखें। तो चलते हैं आगे, वैन आगे चलो, जो नज़र आएगा आपको कैमरे में दिखाते हैं। यानी कि खंडर बनी हुई है जगह, और ये देखो जिस तरह का लुक है जगह, ये दिखाओ ज़रा यार, तो पाँव या हाथ ना लगे, काफ़ी खतरनाक काम है ये हांडी। यानी कि लोग यहाँ पे अमल वगैरह भी करने के लिए आए हैं यार। हाँ? हो सकता है कि यहाँ पे काम ऐसे होते हों। जैन सुनने में ये भी आया कि जब हम यहाँ पे आए थे ना कुछ अर्से पहले, तो मामला तो और तरह के थे। अब सुनने में ये आ रहा है कि जो यहाँ पर बैठने या टहलने के लिए आता है इस वीरान जगह पर, उनको मार पड़ती, मार इस कदर पड़ती है बुरे तरीके से कि यहाँ तो उसकी हड्डियाँ दर्द होने लग जाती हैं, या उसको बुखार चढ़ जाता है। मामला तो काफ़ी ख़राब है हमारे मानने में आ सकता है, इसलिए हम यहाँ पे पहुँचे हैं कि कौन सी ऐसी दुल्हन है। उसके बाद यही तो कह रहे थे ना लोग, यार असद की वीडियो में वो चीज़ें नज़र नहीं आया, बाकायदा वो बंदा टॉर्च उठा के वीडियो बनाता है, और उनको वो कोई चीज़ इस तरह नज़र आता है, और बाद में ये चीज़ और कन्फर्म हो जाता है जब उनसे अलवाल कर लेते हैं ये बाहर।
कुत्ते की आवाज अब आने लगी है जी। जैन कुत्ते जिस टाइम से हम आए इंटर हुए ना, हाँ कुत्ता उस वक्त से बोल रहा है। अच्छा वो जो सफ़ेद कलर में हमें यहाँ पे पहले चीज़ नज़र आई थी, लेकिन उसके बाद जो आदमी ने हमें वीडियो भेजी उस वीडियो में तो यही था कि यार कुछ सुर्ख जोड़े में औरत बैठी हुई है अंदर, और आदमी के बकौल वो यहाँ से अंदर आई और वो पीछे आकर उसने वीडियो बनाई, जैसे ही उसने देखी और वो डर गया और भाग गया। वीडियो हमें सेंड की गई है जी, और यानी कि कन्फर्म करने के लिए भाई ये चीज़ यहाँ पर मौजूद है जो कि अच्छा आप लोग आए थे उस वक्त क्या? उस सब्सक्राइबरों को नहीं बताया कि हम यहाँ पे आए, अगर वो शरारत भी कर सकता है ना, अगर वो वीडियो फेक भी होती है तो हम उसको बिना बताए यहाँ पे आए और हम खुद देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या मिलता है। ये बात भी लेकिन इस जगह के अंदर ना इधर ये अजीब सा खौफ, ये कमरा है। अच्छा ये भी रूम और काफी और कचरे, ये गंदगी देख रहे हैं आप, गंदगी बहुत ज्यादा गंदगी, पहले से भी ज़्यादा निज़ाम ख़राब हो गया यहाँ का। तो ये कमरे के अंदर दरख्त की जड़ें हैं ध्यान, जो दीवारों के ऊपर हैं। हाँ ये भी दिखाते हैं, है ना? क्या हुआ? कुछ हुआ ना? क्या हुआ सर? हाँ जी ये रूम देख लो यार, चलो जाओ अंदर से दिखाओ जरा। आओ शिबाज़ भाई, जाले पड़ेंगे और पहले से काफी हालत खराब हो गई है यार, मुझे नहीं लगता कोई आया होगा इधर। वो देखो और जड़ें दीवारों के अंदर से निकली हुई है। देखो कौन, क्या हुआ? कोई लाइट दे बकास। क्या हुआ? चूड़ियों की आवाज आई, चूड़ियों की आवाज आई। बाद मुझे इधर भी कुछ ऐसा महसूस हुआ है इस जगह पे, आप जरा देखो फिर इधर आना। इधर से आवाज आ रही है, इधर से। ये देखो यहां पे क्या कर रही है। हां सूखे पत्तों पे चल रहा है ना तू। ओए ओ अल्लाह अल्लाह, ओए ख्याल करना, ये काश की आवाज नहीं थी। कांच का एक मिनट लाइट कर दे यार, कुत्ता कोई नहीं है क्या? नहीं ये तो यार फोकस करो, ये आवाज़ किस तरह की थी यहाँ पे पहले? यहाँ से आवाज़ आई चूड़ियों की और कांच की, यहाँ से आई है चूड़ियों की आवाज़। चूड़ियों की आवाज़ समझ नहीं आई कुछ। अच्छा ये सब कुछ इंटर होने के बाद हुआ है सर? हाँ इंटर होने के बाद ये कुत्ता, ये देख, ये एक ससराहट है हल्की, ससराहट कोई चीज जैसा कोई उतरा। कोई है? ओए कोई आवाज आई यार, आवाज़ आ रही है। कौन है इधर? यार समझ ये नहीं लग रहा, ये कुत्ता उस वक्त से बोल रहा है। दोबारा आई आवाज, अजीब सी आवाज आ रही। अगर ये वाकई कोई जानवर है जो बोल रहा है तो कोई ना कोई चीज देख लेते हैं तब जाके। हाँ जी यार यहाँ पर है कोई चीज, सूखे पत्तों पे कुछ चल रहा है यार, सूखे पत्तों पे चलने की आवाज और बकायदा। आ जाए इधर, इधर बाद में जाते हैं, इधर आओ पहले ये दिखाओ जरा एक मिनट यहाँ तो ख्याल करना। दरख्तों की हालत देख रहे हो ध्यान, बहुत यानी कि इस तरह की हालत इस जगह की ना, झाड़ियों और दरख्तों से बिल्कुल ये ढका हुआ है जगह। ओए कौन, ये दूसरी बार कांच की आवाज आई है। कांच टूटना कैसे अच्छी बात नहीं होती, कुत्ते भी लगातार भौंक रहे हैं यार। जब सिंटर हुए तब से ये कुछ ना कुछ नजर आ रहा है। किसकी? हाँ ये क्या कह रहा है यार? क्या कह रहा है? चमेली की खुशबू आ रही है वकास, स्मेल महसूस हो। मुझे तो नहीं है ये बुदर, मुझे आ रहा है अब। हाँ अब आइए, अब आइए। कौन सा दरख्त? अब आइए। हाँ आइए आइए आइए। दरख्त है? नहीं नहीं है ना।
आगे चलो यार। मुझे ना जैन शबाज भाई वो उस कमरे में कोई मसला लग रहा है वो भाई, तुम्हें याद होगा लास्ट टाइम वहाँ पे कुछ नजर आया था हमें, ये इस कमरे का कोई रोला लग रहा है मुझे। अगर आपको कोई ऐसी चीज नजर आएगी दुल्हन वगैरह तो इसी कमरे में। ओए ये लो, कौन है यहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम, आगे चलें। रिप्लाई तो कोई नहीं दे रहा, रिप्लाई तो वापसी आ नहीं रहा, लेकिन हवेली जो है तकरीबन 100 साल से भी ज़्यादा पुरानी लग रही है। स्ट्रक्चर जो है वो इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं लोगों को, आगे यार ये तो बहुत ज़्यादा कि गोरों का है, ऐसा ही है, जगह डिस्टर्ब है। और ये हमें कुत्ते बता रहे हैं, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, जब से हम इंटर हुए ये कुत्तों की भौंकने की आवाज़ उस वक्त से है। अच्छा एक चीज़ नोट कर रहे हैं आप जी, कोई भी मतलब जो दरख्त है यहाँ पे उसका अजीब ही हालत हुई पड़ी है। ओए कौवे की आवाज, कौवा ऐसा होता है? हाँ हाँ, कौवा अजीब सा था और आधी रात ये कैसे है कौवे की आवाज जैन? ये सबसे बड़ी निशानी होती है यार जगह की, यार ये काला परिंदा अगर रात के टाइम आपको आवाज सुनाता है ना अपनी, तो यहाँ पे मामला खराब है। ये देखा यार, ये कांच टूटने की आवाज दोबारा से आई है यार, और इन एरिया से आ रहा है। आगे चलो, ख्याल करना असद, असद ख्याल। अच्छा देख रहा हूँ, क्या वो आ जाए उकास, तो अपने पीछे भी लाइट रख। चूमने की आवाज आ रही है, कोई निशानी कोई कांच नजर आ रहा है? देखो इस कमरे में क्या हुआ, क्या हुआ विकास? पीछे चप्पल की आवाज आ रही है, पीछे कोई भी नहीं था। ये जितने भी कांच अगर टूट रहे हैं कोई साइन इनकी कहीं पे, लाइट दे। ओ ये देख ऊपर, तो बात हो गई यार, क्यों खास निशानी होती है इन जगह पे आते हैं जहाँ पर बिल्कुल एंट्री, एंट्री वाली जगह पे जब जाहिर सी बात है, ये भी एक बैड साइन है, अच्छा साइन नहीं है। पीछे देना लाइट, इधर चलो, अभी उस तरफ ही कमरा है, इस तरफ ही है। चलो बिस्मिल्लाह, इसी तरफ चलो, आगे करो, ख्याल करना इनसे। विकास है कोई इस तरह की कंडीशन इस जगह की? जगह अजीब सी है, जान आबाद इलाके में इस तरह का कोई फिगर नजर आना। हाँ। ये समझ से बाहर आता है यार, कौन हो सकता है, कौन करेगा? चलो ठीक है, अगर उस सब्सक्राइबर ने अगर इस तरह का कोई ड्रामा भी रचा दिया ना, तो फिर ये सात लोगों ने क्यों? हाँ लोगों ने, लोग भी वही कह रहे हैं जो सब्सक्राइबर ने जो हमें वीडियो सेंड की, बिल्कुल उस मुताबिक की उसने बात की। भाई जान कुछ लोगों ने मार खाई है यहाँ पे आने के बाद, तो सारी बात है जिसके साथ अभी देखा, उस वक्त हम बात कर रहे थे ये पार्किंग वाले के साथ। हाँ। वो बहुत सहमा हुआ था, वो दरख्त ही वो पार्किंग वाला बहुत डरा हुआ था और कह रहा था भाई क्यों पूछ रहे हो, हमने कहा भाई हमने जाना है वहां पर, तो कहता पागल हो तुम, वहां जाके क्या करोगे, बेवकूफ हो। वो बहुत ज्यादा डरा हुआ था। ओए ख्याल करना भाई, ख्याल करना, कौन है इधर? हाँ
हर जगह की इस तरह की कंडीशन है ना, यानी कि बंदा देख के हैरत ज्यादा हो जाए यार, हर तरह यहाँ पर भी मौजूद है यार। हालत थोड़ी अजीब है ना, बिल्कुल एक अजीब सी कंडीशन इस जगह की। क्या हुआ वकास, आवाज ना सुनी है ऐसी भाई, आवाज जैसे कुछ चल रहा है इनके ऊपर। अब ये कुत्ते के बोलने का आवाज बंद हो गया, मुसलसल एक ही आवाज आ रहा, मतलब यहाँ से वो हमें भगा रहा था। बिल्कुल जैसे ही अंदर आए हैं तो वो खुद चुप हो गए। यार इस रूम की हालत चेक करो असद, अल्लाह अकबर, वकास को लगने लगी थी कैमरा बच गया यार इसका। क्या है आगे आगे जाके जल्दी रिकॉर्ड करें यार, बात साथ जाना उसके। ये क्या, ये वो टूटी है यार, ये हंडिया यहाँ पे पड़ी थी एक अंदर, इधर हाँ तो बाहर भी तो पड़ी थी, तो जादू है पता नहीं यार, यानी कि हर लिहाज से इस जगह। ओए दरख्त के ऊपर से कोई नीचे आया है, हाँ बाकायदे तौर पे इस जगह को लोगों ने काला जादू और बहुत सारे यानी कि गलत नाजायज कामों के लिए इस्तेमाल किया यार, ये मैं मतलब गारंटी के साथ इसलिए आपको कह सकते हैं क्योंकि जो अंडियां यहाँ पे पड़े हुए हैं ना, मतलब आपको लग रहा है कि यहाँ पे चिल्ला कच्ची हुई। हाँ बिल्कुल हुआ है वो, ये बात तो कंफर्म ही हुआ है। और बाकी यहाँ पे जिस तरह के साइन मिल रहे हैं ना हमें, वो बिल्कुल इस तरह के, हाँ वो बहुत खतरनाक साइन है यार। अभी तक वो दुल्हन से पाला नहीं पड़ा, अभी कमरे के अंदर से है ना, क्या वो चलने की आवाजें आ रही इस कमरे के अंदर से। क्या आवाज आई, मैंने कह रहा हूँ कि चलने की आवाजें आ रही इस कमरे के अंदर से। कमरे से हाँ कोई नहीं है, आ गया हम अंदर आ सकते हैं। क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ हुआ क्या क्या हुआ क्या हुआ शहबाज, हुआ क्या क्या था सामने? ओ भाई खतरनाक कोई चीज खड़ी हुई यहाँ पे दीवार के। हाँ आजा रिकॉर्ड कर, देख आजा आजा आगे चलो। असद असद लाइट इधर कर, लाइट इधर कर। क्या है अभी तो इसी के पीछे पीछे था यार, कुछ भी नहीं है यार। देखो मोबाइल में देखो यार, मैं झूठ नहीं मार रहा, मोबाइल में देख लो, मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कुछ खड़ा था। कुछ ये मोबाइल में ये देख, पर्स पड़ी है, ये किसी औरत के लग रहा है, सीधा करना इसको पायर से। ये क्या चक्कर, देखिए क्या है, कौन था इधर? मेरे कहने पे मोबाइल की रिकॉर्डिंग नहीं देख रहे आप यार, ये रिकॉर्डिंग चेक कर ले जरा, चेक करो ये चेक रिप्ले में चेक करेंगे, एडिटिंग में कुछ चीज थी तो क्या हो गया, अब है तो यहाँ पे, ये हमें ही पता, यहाँ पे जाने में बात कर रहा हूँ, कमरे के अंदर जाने की भी दिक्कत, इतनी खौफनाक शक्ल यहाँ पे, बाल खुले हुए हैं यार, रिकॉर्ड हुआ है ना। हाँ पता नहीं मेरा कैमरा उधर था या नहीं था, लेकिन मैं एकदम से देखकर उसको घबरा गया, पीछे ना हटता था शायद वो गला पकड़ लेती मेरा। आपने बोला चलने की आवाज आ रही है ना, यार उस लास्ट कमरे में भी कोई ना कोई रफड़ लग रहा है यार, थोड़ा कोई चक्कर है अगर वो भी डिस्टर्ब। असल मैं ये कह रहा हूँ थोड़ा संभल के काम लेना होगा, क्योंकि जिस तरह का साइन शहबाज कह रहा है मैंने देखा है इस तरह कोई चीज, अब हो सकता है वो दुल्हन हो जिसको शहबाज ने देखा है। क्या था कैसी शक्ल थी, बड़ी खौफनाक शक्ल थी, इधर हो जाना वो दीवार पे चेक, क्या था मतलब कि आधा चेहरा नजर आया उसको, और इतनी खौफनाक शक्ल थी, नाक इतना इतना ज्यादा लंबा था, तो बाल खुले हुए हैं इतनी बढ़िया, ये इसके पीछे था, इसलिए कह रहा हूँ मोबाइल में से देखो यार।
मुझे नजर आ सकती है, तुम लोगों को भी आ सकती है। खौफ ज़्यादा हो जाएंगे अगर वो कैमरे में रिकॉर्ड चीज़ हुई है ना, तो हम देख के खौफ ज़्यादा हो जाएंगे। अभी इसको देखने का तजस्स सिर्फ हम सबको है, लेकिन आपने देखा तो हम बेहतरी है। ये सुनो, देखो हुआ क्या अभी, फिर कुछ गिरा है। देखो सर, कोई अंडी नहीं लगा इधर, इस रूम में था, इस रूम में तो गिरा ना। आगे जाओ, हमें नहीं लगी किस तरह हुआ। तो चल रहा मैं कह रहा हूँ वहां पे क्या है कुछ। तुम वहां पे क्या कर रहे हो शबाज भाई? ये क्या छत से आ गया असद? पता नहीं कहाँ से आई आवाज, कहाँ से आई आवाज, ऐसे लग रहा है यहाँ पे फिर है। कहाँ से? यहाँ इस कमरे के अंदर है। तो शहबाज नहीं है यार, आ जाए लाइट लाए। कुछ भी नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा था ना, क्या हुआ? कह रहा था ना मैं यार, इधर आओ। क्या हुआ? क्या था? वही था ना, बोलो क्या चीज। मेरे खुदा यार, लंबे बाल, ये चीज मैंने देखा वहां पे। कमरे के अंदर नहीं जाना, कोई भी ना जाए। क्या था, क्या क्या यार, मैंने खुद देखा है। अब यार लंबे बाल आ गया, शायद रिकॉर्ड हो। मोबाइल ध्यान को इसलिए मैंने पकड़ाया, खुद देख ले यार इस कमरे के अंदर क्या है। उस जगह को रिकॉर्ड कर लो यार, जहाँ पे नजर आई है। इसको रिकॉर्ड करने की कोशिश करते हैं, शायद रीडिंग आ जाए। आ जाए भाई यार, खुदा ध्यान से। अब तो गाइस रीडिंग नहीं आए। आ जाए आ जाए।